मारो इसे। बस, 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 बस। इसे दंड मिल चुका है। राजकुमारी जी, यदि आपका आदेश हो तो इसे मृत्यु दंड दे दे। नहीं, इतना पर्याप्त है, अब आप सब जाइए। जो आ गया। सैनिकों को देख अपना रूप क्यों बदल लिया? महावीर से महात्मा बन गए, सारे प्रहार सहते रहे, आत्मरक्षा क्यों नहीं की? सैनिकों के वार का उत्तर क्यों नहीं दिया? मेरी मंशा तुम्हारे तन को नहीं, तुम्हारे मन को जीतने की है। तुम्हारे मन को जीतने की है। तुम्हारे मन को जीतने की है। देवताओं का सेनापति रह चुका हूं मैं, और यदि तुम्हारे सैनिक मुझे अपने वास्तविक रूप में देख लेते तो शिव पुत्र पर कभी प्रहार नहीं करते। तो फिर मैं अपनी प्रेम की, अपने समर्पण की परीक्षा कैसे देता? तो बहुत घाव लगे। चलिए मैं औषधि लगा देती हूँ। प्रेम प्रस्ताव स्वीकार कर लो, सभी घाव भर जाएंगे, सभी घाव भर जाएंगे, सभी घाव भर जाएंगे। दो नहीं था कि आपका ये प्रस्ताव स्वीकार करूंगी, किंतु आपके समर्पण के आगे हार गई मैं। जब महावीर महात्मा बन जाए, जब सबको नष्ट कर देने में सक्षम, अपने से दुर्बलों का प्रहार सहने लगे, अर्थात वो प्रेम में है, देवसेना कहाँ है और ये रक्त कैसा? सब कुशल तो है ना? देवराज, एक बालक राजकुमारी को सता रहा था, उसी को दंड करके लौट रहा हूं। भला मेरे और देव सेना के विवाह से किसे आपत्ति हो सकती है? कहीं वो कार्तिकेय तो नहीं?
किशोर है वो। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, कभी भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। पहली भेंट में जो विवाद हुआ, आज के पश्चात फिर कभी नहीं होने दूंगा। जैसे आपके माता पिता शिव और शक्ति प्रेम के पर्याय है, वैसे ही होगे हम दोनों, कार्तिकेय और देवसेना। कार्तिकेय और देवसेना, कार्तिकेय और देवसेना। शनि की वक्र दृष्टि तुम्हारा हर सुख हर आनंद ले लेगी कार्तिकेय, तुम पर बाधाओं का पर्वत टूट पड़ेगा। मैं आज ही अपने माता पिता से बात करूंगा, अपने पिताश्री को सब बता दूंगी। शिव पुत्र, आपसे आपका इंद्रासन छीनने आया हूं। तो अब आप सभी को यह दंड दिया जाता है कि आप सब इस नव दंपत्ति जोड़ी के जीवन का आधार अर्थात कुटिया इनके लिए स्वयं निर्माण करेंगे। इस अपमान का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। दुस्साहसी, दुस्साहसी! ये दुस्साहस, सैनिको बंदी बना लो इस दंडी को। पिताश्री, पिताश्री ऐसा मत कीजिए। पिताश्री, पिताश्री छोड़ दीजिए उसे, मैं भी उससे प्रेम करती हूँ। पिताश्री, देख जिसे तुम प्रेम समझ रही हो वो छल है इसका, और वैसे भी तुम्हारा पिता होने के नाते तुम्हारे विवाह से संबंधित सभी निर्णय मैं लूंगा। शिव पुत्र हूं मैं, भला मुझसे विवाह करने में क्या समस्या? मैं देवसेना का पिता हूं और इसके विवाह से संबंधित निर्णय मैं लूंगा। कार्तिकेय, और मेरे इस निर्णय में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। मेरे इस निर्णय की काट स्वयं महादेव भी नहीं कर सकते। ले जाओ इसे। नहीं पिताश्री, हे महादेव हमारे प्रेम की रक्षा कीजिए।
पिताश्री, पिताश्री रुक जाओ, रुक जाओ, रुको मत ले जाओ कार्तिक, रुको, पिताश्री, पिताश्री रोक दीजिए उसे पिताश्री। देवसेना, ये प्रेम नहीं, केवल आकर्षण है। पिताश्री ऐसा मत कीजिए पिताश्री। इसी समय इंद्रलोक लौट जाओ। नहीं। देवसेना तुम चिंता मत करो, मैं सभी उलझने सुलझा दूंगा। चलिए देवराज, आज देखते हैं स्वर्गलोक का कौन सा कारागृह इतना शक्तिशाली है जो शिव पुत्र को बांध सके। तुम्हें किसने कहा कार्तिकेय कि मैं तुम्हें स्वर्गलोक ले जा रहा हूँ? मैं जहाँ तुम्हें ले जा रहा हूँ उस स्थान के विषय में तुम सोच भी नहीं सकते। ले जाओ इसे। नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ, मत ले जाओ इसे, रुक जाओ। नहीं देवी, हमारा हस्तक्षेप उचित नहीं होगा। क्यों महादेव, जब हम दोनों को वास्तविकता का ज्ञान है, कार्तिकेय के आचरण पर शनि के प्रभाव का बोध है, तो फिर उसकी पीड़ा कांत करने में क्या बुराई है? माता पिता का दायित्व निभाने में क्या समस्या है महादेव? समस्या है देवी, क्योंकि दायित्व से बड़ा कर्तव्य होता है, जगत कल्याण का मार्ग होता है। कार्तिकेय पर भले ही शनि देव का प्रभाव है, किंतु व्यक्ति के कर्मों का उत्तरदायी वो स्वयं होता है। और फिर देवी, यदि हम इंद्रदेव को रोकेंगे, उनसे तर्क करेंगे, तो क्या ये पिता का, एक राजा का अपमान नहीं होगा? तो आप क्या चाहते, हम चुपचाप बैठ के अपने पुत्र को बंधी बनता देखें? देवी, यदि शिव शक्ति ही नियति के लेख को तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, तो ये संसार क्या सीखेगा, क्या कहेगा? अब तो देखना यह है कि शनिदेव हमारे पुत्र के साथ कर क्या रहे हैं। अद्भुत असुर गुरु शनिदेव, आपके पराक्रम ने तो शिव को भी साधारण बना दिया, और कर्मवान से प्रतीक्षावान बना दिया शनिदेव। अब कौन कहेगा कि संसार में सबसे शक्तिशाली देव शिव है, शनिदेव नहीं? आप यूं ही अपनी वक्र दृष्टि डालते रहिए और शिव को शक्तिहीन करते रहिए। घोर पाप है ये, वक्र दृष्टि की शक्ति में इतने दृष्टिहीन हो गए कि महादेव के बल को ही ललकार बैठे, उनके समझाने के पश्चात भी नहीं माने। स्मरण रहे, इस उदंडता का दंड अवश्य भोगना होगा। कदाचित आप भूल रहे हैं, शनि न परिणाम की चिंता करता है और ना ही कभी करेगा। पिता से विद्रोह की जड़, स्वर्ग लोक में विद्रोह का कारण, और यहां तक कि ग्रहों के भी विद्रोह का कारक हूं मैं।
आज तक जो भी किया स्वयं की इच्छा से किया और आगे जो भी करूंगा स्वयं की इच्छा से ही करूंगा। उचित कहा शनिदेव, अंत जो होगा सो होगा, आप केवल आराम पर ध्यान दीजिए। ऐसा खेल खेलिए कि शिव पार्वती देव सेना कार्तिकेय इंद्रदेव सबका देवत्व धूमिल हो जाए। अंत एक कलंक बन जाए, कैलाश पर शिव और कार्तिकेय के संबंध पर, शिव और शिवत्व पर, शिवत्व पर। ना कैलाश पर, ना संबंधों पर, ना शिव पर, ना शिवत्व पर मैं कोई कलंक नहीं लगने दूंगा, कोई कलंक नहीं लगने दूंगा, कोई कलंक नहीं लगने दूंगा। महादेव, इंद्रदेव, कल हमारे पुत्र ने आपकी पुत्री के साथ अपमानजनक व्यवहार किया था, अनुचित आचरण किया था, इसीलिए मैं और महादेव अपने पुत्र के विरुद्ध थे। किंतु आज बात प्रेम की है, शिव और शक्ति प्रेम के विरुद्ध नहीं हो सकते, प्रेम के विरुद्ध नहीं हो सकते, प्रेम के विरुद्ध नहीं हो सकते। ये तो विचित्र आचरण हुआ माता, पुत्री का सम्मान और पिता का अपमान, पुत्री के साथ प्रेम भरे संवाद और पिता को चेतावनी भरी ललकार। महादेव, क्या ये आचरण उचित है? बिल्कुल नहीं। मुझे आपसे इसी आचरण की आशा थी महादेव, इसीलिए मैं सीधा यहीं चला आया और अकेले नहीं आया हूं। सैनिकों, शिव पुत्र कार्तिकेय को यहां प्रस्तुत करो, यहां प्रस्तुत करो, यहां प्रस्तुत करो। महादेव, आपकी भक्ति की डोर से बंधा हूं, इसलिए आपके पुत्र को बंदी बनाकर स्वर्ग लोक के कारागृह में तो रख नहीं सकता था, परंतु इस उद्दंडी को इसके किए का दंड भी तो देना था, इसलिए मैं यहीं चला आया आपके पास न्याय की गुहार लगाने।
अनुभव। कहते हैं अनुभव से बड़ा शिक्षक कोई भी नहीं। आज का अनुभव हमारे कल को दृढ़ बनाता है, हमारे भविष्य की रूपरेखा को बुनता है। किंतु यह अनुभव मिलता कहां से है? अनुभव पाने का सबसे सटीक साधन है विपत्ति का सामना। इसलिए जब भी कठिनाई आए उसका हंसकर सामना करें, क्योंकि वही आपके भविष्य को, आपके कल को सुंदर और सुदृढ़ बनाएगी।